अमरीन क्यूम बात कर रही हूं इस्लामाबाद से मैं एक हाउस वाइफ हूँ मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं मैं महंगाई के बारे में बात करना चाहती हूँ कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुजारा मुश्किल हो रहा है हम बच्चों के स्कूल की फीस दें या घर का खर्चा चलाएं और अब तो अगर आप देखें तो डॉलर की जो प्राइस है वो भी कम हो गई है और जो रुपये की वैल्यू है वो भी मुस्तकम हो गई है और दूसरी बात यह कि अब तो मुबारक भी आ रहा है लेकिन जो है बेसिक कॉमोडिटीज की प्राइस बिल्कुल कम नहीं हो रही है तो खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें जी अमरीन बिल्कुल आपने वो बात की जो कि आप यकीन करें कि अब तक हमारी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन अगर बाकी सारी चीजें एक तरफ हैं तो महंगाई एक तरफ है और महंगाई के अंदर आ, आ, आपने तो थोड़ा सा समझना है क्योंकि महंगाई तो कई चीजों की है ना कई चीजों की महंगाई ऐसी है जो कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ठीक कर सकते हैं मसलन आ, 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 एक यानी अगर एक दुकान में एक कीमत आ रही है और दूसरी दुकान और कोई कीमत दे रही है और चीज तो वही है तो यहां तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ले सकते हैं और हम पूरा इसके ऊपर भी जोर लगा रहे हैं एक महंगाई ये और यह भी आपने समझना है वो महंगाई ये है कि एक किसान सब्जियां या जो भी अपनी पैदावार है वो एक कीमत के ऊपर वो, वो लेके जाता है मार्केट के अंदर लेकिन उस मार्केट से जब वो चीज जाती है शहर में यानी रिटेल में यानी जब आपके पास पहुंचती है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है वो किसान बेचारे को पूरे पैसे नहीं मिलते मैंने किसानों को मिला जाके तो किसानों ने कहा जी हमारा तो मुश्किल से खर्चा पूरा हो रहा है जो हम अपनी पैदावार या जो सब्जियां बता रहे थे लेकिन वही सब्जी जब वो जा रही है शहर के अंदर तो वहां वो दुगनी से भी ज्यादा कीमत पर बिक रही है तो जो बीच में मिडिल मैन है वो बहुत बड़े पैसे बना रहा है इसका अब हम एक तोड़ लेके आए हैं और इन शाह ये शुरू भी हो गया हमने आता एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली वो वो जो जो मंडी से एक इस तरह चीज करें कि डायरेक्टली वो चीजें जाएंगी लोगों के पास और वो किसान को भी ज्यादा पैसा मिल जाएगा और जो लोग हैं जो शहर के अंदर लोग उनके लिए भी कीमतें कम हो जाएंगी ये एक पूरी नई चीज कर रहे हैं क्योंकि एक, एक नया सोच लेके आ रहे हैं और ये शुरू हो गया लाहौर में हमने अब कई जगह शुरू किए हैं या इस्लामाबाद में शुरू करने लगे ये शहरों के अंदर अब हम करने लगे इससे भी फर्क पड़ेगा एक तीसरा तरीका है। एक ती, तीसरी वजह है। वो है जो मैं शुरू में आपको कहता हूं कि जब रुपया मसलन हमारा रुपया अब आप हमारे आने के बाद एक रुपया था हमारे आने से पहले रुपया एक सौ चौबीस।, चौबीस था लेकिन उससे छह सात महीने पहले 107 का था यानी 2018 की शुरू में तकरीबन 107 रुपए का डॉलर था और वो 2018 के बाद वो बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 160 रुपए पे और अब अल्लाह का कर्म है कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो रही है तो रुपया भी मजबूत होता जा रहा है इसका इसका आपको इफेक्ट आएगा मसन इमीजिएटली इफेक्ट तो आ गया ना कि डीजल की कीमत गिर गई की। आपको पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई तो ये तो आपको फैक्ट नजर आ गया जब रुपया मजबूत हुआ लेकिन इसकी जो जो जब 107 से डेढ़ सौ रुपए पे भी गया तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा बिजली के ऊपर पड़ा आधी बिजली बनती है तेल से तेल होता है इंपोर्ट फिर जो बिजली के सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं वो हैं सारे डॉलर्स के अंदर हमारे से पहले के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए तो वो क्योंकि डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एकदम उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ गया जैसे ही डॉलर मजबूत हुआ रुपया गिरा उधर भी कीमत बढ़ी गई बढ़ गई फिर जब डीजल महंगा हुआ सारी ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई सारी चीजों के ऊपर उसका कॉस्ट चला गया फिर जो बाहर से हम चीजें इंपोर्ट करते हैं बाहर से चीजें सबसे बड़ा तो जो आम लोगों को आपको इफेक्ट करता है घी अब तकरीबन सत्तर फीसद ऑयल इम्पोर्ट करते हैं सत्तर तो सत्तर फीसद जो घी के अंदर जो तेल जाता है वो इम्पोर्ट करते हैं फिर दालें सबसे अफसोसनाक चीज़ यह है कि हमने अभी तक एक वो जरूरी मुल्क हम सत्तर फीसद दालें अपनी इम्पोर्ट करते हैं तो वो ये सारी चीज़ें महंगी हो गई और एक और मसला आया कि हमें गंदम जो कि पाकिस्तान में हमेशा होती थी वो हमारी आबादी क्योंकि बढ़ती गई है जो गंदम पाकिस्तान में थी उसके अंदर खसारा आ गया एक तो बारिशें गलत टाइम पे हो गई तो हमें एक साल के अंदर 40 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी और उसके अलावा गंदम गंदम इंपोर्ट और उसका सारा इंपैक्ट पड़ा यानी जैसे आप गंदम इंपोर्ट करते हैं तो वो महंगी बाहर से महंगी आई यहां तो उसका भी इंपैक्ट पड़ा तो जो इंपोर्ट्स महंगी हुई रुपए गिरने से एक वो हो गई फिर एक बदकिस्मती से एक और चीज हमने आहिस्ता आता इंक्वायरीज में पता चला वो क्या है यहां बैठे हुए हैं माफियाज ये अमरीन आपने समझने की बात है यहां पाकिस्तान में वो लोग बैठे हुए कायदे आजम ने भी इनकी बात की थी जो जखीरांदोजी करके कीमतें ऊपर बढ़ाते हैं ये माफियाज बैठे हुए थोड़े से लोग हैं ये सट्टा खेलते हैं मूमन तो चीज तब महंगी होती है जब उसकी सप्लाई कम हो जाए मसलन अगर अगर कमी हो जाए किसी चीज की अगर चीनी की कमी हो गई तो ज्यादा लोग चीनी मांगेंगे उसकी कीमत ऊपर चली जाएगी लेकिन यहां चीनी पड़ी होती है जखीरे पड़े होते हैं चीनी के लेकिन कीमत ऊपर जानी शुरू हो जाती है एक वक्त चीनी उन्होंने कहा जी इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट करो चीनी एक्सपोर्ट करनी शुरू की वो चीनी की कीमत ऊपर चली गई सो इसका कोई कनेक्शन नहीं है ये जानबूझ के माफियाज बैठे हैं जिनके पीछे पहली दफा पाकिस्तान में हम अब जा रहे हैं मैं यहां शहजाद अकबर को बताया आ, बुलाया हुआ है ये आपको असल में क्योंकि पूरी इंक्वायरी की गई इसके ऊपर एफ ने पूरी इसके ऊपर इंक्वायरी करके तो रिपोर्ट लेके आए कि किस तरह आर्टिफिशली चीनी की कीमत ऊपर की जाती है लोगों का बेचारों का खून चूसा जाता है थोड़े से लोग हैं जो कि कैसे अरबों 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 रुपया बनाते हैं इससे और ये आटे के ऊपर भी हमें जब इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट है कि कैसे वहां भी अंदोजी करके तो आटे की कीमत ऊपर ले जाई जाती है तो ये सर मैं सिर्फ आपको इस, इसलिए बता रहा हूं इसके मुख्तलिफ तरीके हैं लेकिन ये आप यकीन कर लें अमरीन घबराने की आपको जरूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं या तो हमें गवर्नमेंट को फिक्र ना हो इसकी इसके ऊपर सारा वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कंट्रोल करें इसके ऊपर जो सबसे बड़ी चीज हम अब करने जा रहे हैं इस साल एक पूरी नई एग्रीकल्चर की एक रेवोल्यूशनरी पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिसे हमने अपना सारा जो एग्रीकल्चर का सेक्टर चेंज कर देना है उसमें से पहले हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहले से पता चल जाएगा कि कौन से सीजन में किस चीज की कमी होती है ताकि किसी किस्म की शॉर्टेज आगे से ना हो ताकि शॉर्टेज की वजह से कीमतें ऊपर ना चली जाए लेकिन यह मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर पिछले एक साल से ये मुख्तलिफ चीजें कि क्या वजह है महंगाई के इसके ऊपर पूरा काम हो रहा है और इन शाह आपको हम इसके ऊपर काबू पा के दिखाएंगे इनशाला आपके शामिल हाल हो अगले कॉलर हमारे साथ